अमेरिका में शुक्रवार शनिवार आए तूफान ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 6 अमेरिकी राज्यों में से 30 से ज्यादा तूफान की चपेट में आ चुके हैं। अलग अलग इलाकों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। कटेती राज्य में 80 लोगों ने मारे जाने की खबर आई है। बहुत सारे लोग अभी भी मतलब के नीचे दफन हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने राज्य आपातकालीन घोषित किया है। तूफानों ने चलते कई इलाकों में इमारतें ध्वज हो गई हैं। मलबा बिखाड़ा में हुआ देश में टीमें रात में बचाए के काम में लगी हुई है। बचाव दल ने लोगों से अपील की है कि तूफान में मतलब फंसे लोगों के लिए दुआ करें कि जिन लोगों ने नुकसान झेला उनकी मदद करें। सबसे ज़्यादा तबाही मेलफील्ड में हुई है, जिसे सभी साइक्लोन ग्राउंड जीरो माना जा रहा है। मेलफील्ड एक मोमबत्ती फैक्ट्री से गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई। इलिनॉय राज्य में मेनजिन कंपनी का वेयर हाउस ध्वज हो गया है, जिससे लंबे करीब 100 कर्मचारी दबे हैं। इसके अलावा अकरवास एक नर्सिंग होम में बिल्डिंग ढहने से 20 लोग दब गए हैं, जिनमें से 2 की मौत हो गई। सो फाइनली गाइस, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।